पलवल में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का रात के समय चाकू के बल पर अगवा कर उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाया गया और बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। जी हां, दुष्कर्म की बात बताने पर आरोपियों ने पीड़िता व उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी और उसे यूपी के उसके मामा के घर बाहर छोड़कर फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। फिलहाल आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। पलवल महिला थाना प्रभारी रेखा ने बताया कि 14 वर्षीय पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि 8 सितंबर की रात को वह घर में सोई हुई थी। उसी रात 1 बजे के करीब गाँव निवासी एक युवक घर के अंदर आया और पीड़िता को जगाया। पीड़िता ने जैसे ही युवक का चेहरा देखा तो उसने चाकू दिखाकर पीड़िता के मुंह को बंद कर दिया और घर के बाहर ले गया। उक्त युवक ने पीड़िता से बाइक पर बैठने को कहा। पीड़िता ने जब मना किया तो युवक ने कहा कि उसने शूटरों को खड़ा कर रखा है जो तेरे परिवार को मार देंगे। पीड़िता डर के कारण बाइक पर बैठ गई। युवक पीड़िता को पहले अपने खेतों पर ले गया और फिर पलवल की तरफ ले आया। पलवल आकर युवक ने ATM से रुपये निकाले। पीड़िता को प्यास लगी थी, युवक ने उसे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई और जब होश में आई तो उसका सारा बदन दर्द कर रहा था। पीड़िता का आरोप है कि बेहोशी की हालत में उक्त युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता को नहीं पता कि वह कहां पर है, उसने सिर्फ बॉर्डर पर पर्दवाद लिखा देखा। उसके बाद युवक पीड़िता को उसके यूपी के मामा के घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने मामा के घर जाकर आपबीती बताई। पीड़िता के मामा ने उसके पिता को बुलाया। पीड़िता का पिता मौके पर पहुंचा और मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। ये एक नाबालिग लड़की है और उसने बताया कि मैं रात को अपने घर में सो रही थी तो एक लड़का और हमारे घर में आया जो मेरा वहाँ से चाकू अपने ऊपर अपहरण ले गया और उसने वो मुझे बल्लमगढ़ की तरफ ले गया। ले जाकर रास्ते में उसने मुझे कुछ जूस में पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गई। जो उसने बताया कि मैं उसके बाद मुझे जब होश आया तो मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ कहाँ गलत काम किया और उसके बाद वो उसको उसके मामा है यूपी में जैत काम करता है उसने वहाँ पर छोड़ा। आरोपी बालिक है और उसी गांव पर है। उन्होंने धाराओं का मामला दर्ज किया 363, 376, 506, 450 और 400। क्या कार्रवाई की गई इसमें? कार्रवाई इसमें यह है जी, लड़की का मेडिकल करा दिया, अभियान करा दिया, CWC का काउंसलिंग करा दिया और आरोपी की क्लास चला दी। आरोपी अकेला ही था या और भी कोई शामिल है उसमें? नहीं, आरोपी अकेला। पलवल में दुकान मालिक द्वारा अपने नौकर की हत्या कर शव को दुकान में लगे पंखे से लटकाने के आरोप का मामला सामने आया है। एक ओर जहां मृतक के परिजनों ने दुकानदार पर हत्या के आरोप के लिए, दूसरी ओर पुलिस इस मामले के जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई करने की बात कह रही है। फिलहाल पुलिस ने धारा 174 की कार्रवाई की है। जाँच अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पलवल की प्रकाश विहार कॉलोनी निवासी टिम्पल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई मोनू किटवाड़ी निवासी योगेश के पास नौकरी करता था। शनिवार की रात को वह वापस घर नहीं आया, जबकि शनिवार की सुबह दुकान मालिक के फोन आने के बाद मोनू को घर वालों ने स्वयं दुकान पर भेजा था। वहीं रविवार की सुबह उसके दुकान के मालिक योगेश का फोन आया कि मोनू आज दुकान पर क्यों नहीं आया। कुछ देर बाद मृतक के परिजनों के पास दुकान मालिक का दोबारा फोन आया कि मोनू ने दुकान में फांसी लगा ली है। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे तो देखा कि दुकान का ताला लगा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। नाम है जी आपका? मेरा नाम डिंपल है जी। क्या लगते हैं मोनू के आप? मेरा भाई है छोटा। हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ जी उनके पास नौकरी करता था वो, कल आके उसने फोन करा कि कहाँ है भाई, मैं दुकान पर है। वो दुकान पर हम शाम को गए तो हमें दुकान पर मिला। सवेरे उसने फोन किया कि भाई तेरा भाई नहीं मिला हमें। किसने फोन किया था? योगेश ने फोन करा था कि भाई तेरा भाई यहाँ नहीं है और अपने भाई को नम फोन कर। तो 10-20 मिनट बाद उसी के बाद फोन आया है कि तेरा भाई फांसी पर लटका हुआ है और ये योगेश ने और उसने प्रकाश ने और प्रकाश के लड़का ने तीनों ने ये तीनों ही आरोपी हैं और तीनों ने इनको मारा है। ये हम खुद कह रहे हैं कि हाँ ये मारा है इन लोगों ने, तीनों ने ये मांग रहे हैं। शिकायत दे दी है पुलिस को आपने? हाँ जी, पुलिस को शिकायत दे दी।
मोनू क्या काम करता था योगेश? मोनू उनके पास दुकान पे बैठा रहता था, ये नहीं पता जी क्या काम करता था वो बाकी के अवैध धंधा करते हैं दारू का। अच्छा, दारू का। ठीक है जी, अवैध धंधा करते हैं, पूरे अड्डे पे दादागिरी करते हैं और इसी तरीका से वो कितने केस कर चुके हैं। पुलिस ने कभी कार्रवाई नहीं की उनके? नहीं, पुलिस कभी कार्रवाई नहीं करती। कितने पैसे देते थे आपके भाई को? ये नहीं पता सर मेरे को। उससे दारू बिकवाते थे? हाँ जी। ढाई महीने से कर रहा था। कितने कब से काम कर रहा हूँ? ढाई महीने से। फिर आपने कभी बीच में उससे टोका नहीं भी क्यों ऐसे? नहीं, हमने नहीं टोका सर। उनकी वाह में चले हो, जैसे वे कहे ऐसे ही। रात भी मेरे से ये कह रहा था कि इससे पैसे कमाऊंगा मैं, कल शाम को भी। हाँ सर, ये किठवाड़ी गांव में जो दुकान में एक सब फंदे से लटका हुआ मिला था, कब सूचना मिली आपको? क्या शिकायत दी है परिजनों? क्या कार्रवाई की जा रही है उसमें? ये थाना पर सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम से कि पिठवाड़ी गांव में एक दुकान के अंदर एक लड़का फांसी से लटका हुआ, तो तुरंत पुलिस मौके पर गई। मौके पर जाकर देखा तो शटर बंद था, शटर का एक साइड में ताला लगा हुआ था और एक साइड का शटर उखड़ा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंच के मैंने खुद शटर को जो उखड़ा हुआ था उसको ऊपर किया, ऊपर हो गया, अंदर देखा तो एक रस्सी से लड़का लटका हुआ था ऊपर कुंदे में, पंखे के कुंदे में, और एक छोटी सी रस्सी साथ में पड़ी थी वैसे ही बेड पे। उस दुकान के अंदर और कोई आदमी नहीं था। उसके पश्चात उसके भाई डिंपल ने, जो मृतक है मोनू नाम का, मोनू सनोप चतर सिंह, उसके भाई ने दरखास्त दी। दरखास्त में तीन आदमियों के नाम दर्शाए हैं, योगेश, प्रकाश और एक और है, इनके नाम दर्शाए भी, इनके साथ रहता था, यकीन है कि उन्होंने इसको मारा है। तो अभी से जांच चल रही है, छानबीन की जाएगी, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, 170 की कार्रवाई हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जांच करके जैसी सूरत होगी आगे कार्रवाई करें। हरियाणा के चरखी दादरी से निर्दलीय विधायक व पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सागवान ने आज पलवल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली पशुधन विकास बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सड़कों पर लावारिस घूमने वाले गौवंश को प्रदेश की रजिस्टर्ड 600 गौशालाओं में रखने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इटली के सहयोग से एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, इसके तहत गायों को एक टीका लगाया जा रहा है जिससे गाय केवल बछड़ी को ही जन्म देगी। फिलहाल यह टीका किसानों को 500 रुपये की बजाय 200 रुपये पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और प्रदेश में गौवंश की समस्या का पुख्ता इंतजाम भी हो पाएगा। हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड का चेयरमैन होने के नाते जो गौ माता पूरे हरियाणा के अंदर रोडों पर जो घूम रही है, आज बड़ी दुर्दशा है, इससे किसान भी परेशान और गौ माता भी दुखी। और आने वाले टाइम में बोर्ड की मीटिंग के अंदर हरियाणा के अंदर 650 रजिस्टर्ड गौशाला है, कोशिश करेंगे उस मीटिंग के अंदर ये फैसला लें माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठ के, इन 650 गौशाला जो रजिस्टर्ड गौशाला में इतनी लावा जगह घूम रही है, इनकी व्यवस्था करें और एक दूर इस समस्या का परमानेंट समाधान क्या हो। पिछले काफ़ी समय से जो आज इस पैसे के चकाचौंध में गौ माता की सेवा को लोग भूल गए, इनकम का साधन कम होने के कारण आज दूध पीते छोड़ देते हैं रोड के ऊपर, इस परमानेंट समाधान कैसे हो कि 100-100 पे इनको का साधन नहीं रहेगा। गौ माता पहले जब लोग खेती करते थे पुराने टाइम में ट्रैक्टर नहीं होते थे, हल जोतते थे, बोझा ढोते थे, इसका यूज़ होता था, लेकिन आज के टाइम में इस चकाचौंध में मशीनरी के युग में इस बैल की जो सेवा थी उसको छोड़ दिया, इसका परमानेंट समाधान क्या हो। टाइम तो लगेगा, इसका परमानेंट समाधान एक ही है कि गौ माता का जो टीका लगता है जो बाहर की कंपनी है इटली की कंपनी, वो सरकार 500 रुपये पर टीके के हिसाब से किसान से 500 रुपये में मुहैया कराती थी, तो माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री जी सरकार बनते साथ फरवरी के महीने में करनाल के अंदर प्रोग्राम था, उसमें हमने टीके की कीमत 500 के बजाय 200 रुपये
किसान को प्रोवाइड करने का सिस्टम करें। और आने वाले टाइम के अंदर ये टीका सिस्टम है उसमें सिर्फ बछड़ी पैदा होती है और वो तमाम गौशालाओं में तमाम किसानों को कोशिश करें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाए तो लोग उससे सिर्फ बछड़ी पैदा होगी और वो दूध भी लंबा ज़्यादा देती है और दूध भी ज़्यादा देती है 14 से लेकर 20 लीटर तक दूध देती है भाई। और ये जो अमेरिकन जो सिस्टम है इनसे छुटकारा मिलता है और इसको आगे बढ़ाने का और रास्ता मिल्क प्रोडक्ट अच्छे बड़े कारखाने जैसे बीटा का दूध है गुजरात में चला है ऐसे यहाँ बड़े प्लांट यहाँ बने फूड प्रोडक्ट जो किसान की फसल से जो किसी प्रकार के बड़े कारखाने लगे हैं उसका सदुपयोग गौ माता की सेवा में हो गौ माता दूध दें 100-100 रुपये का साधन और सरकार से भी कोशिश करेंगे कि उसके अंदर 10 रुपये पर लीटर सब्सिडी सरकार किसान को दे उसको रोजगार भी मिलेगा उसके बच्चों को दूध पिलाने लिए शुद्ध दूध भी मिलेगा और प्रदेश का 100-100 रुपये का साधन ही पड़ेगा। ऐसा है कि पशु क्रेडिट कार्ड जिस प्रकार अटल बिहारी वाजपेयी टाइम में जो कृषि के ऊपर ज़मीन के ऊपर क्रेडिट कार्ड बनाया था इसी प्रकार की सोच है सरकार इस पर पशु के हिसाब से गाय के ऊपर 60,000 लोन के रूप में भैंस के मुर्रा भैंस उसके ऊपर 60,000 और पशु गाय है उसके ऊपर 40,000 तो उसके ऊपर पशु भारत विकास परिषद होडल द्वारा बासवा गांव में और भिड़ूकी गांव में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 111 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। बासवा में कैंप में रिंकू ने बासवा की तरफ से अहम भूमिका निभाई और डॉक्टर अशोक ने भिड़ूकी में मुख्य भूमिका निभाई। इस अवसर पर कई महिलाओं ने भी रक्तदान करके अपना योगदान किया। डॉक्टर जे के मित्तल भारत विकास परिषद की तरफ से भी उन्होंने सभी रक्तदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद किया और दूसरी बार लगे बासवा गांव में कैंप के लिए सबका शुक्रगुजार हुए। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक नरवीर चौहान डॉक्टर सतीश करमवीर मुकेश ग्राम भिड़ूकी भी मौजूद रहे। उधर जेके मित्तल राजकुमार मंगला उमेश गर्ग रिंकू पंडित राजपत नरेंद्र महेश डॉक्टर कमल नवल किशोर जगत सिंह भगत सिंह नरवीर पंडित पुष्पा लालतम कल्ली ग्राम बासवा में मौजूद रहे। इस अवसर पर अपना ब्लड बैंक के संचालक डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने कहा कि इस कोरोना काल में रक्त की काफ़ी कमी है जिसके चलते अन्य सभी ग्रामवासियों से अपील है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और इस पुण्य कार्य में अपना योगदान दें। गौरतलब है कि अपना ब्लड बैंक पिछले 2 साल से 35 थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को मुफ्त रक्तदान देता आया है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल की उम्र से ज़्यादा हो और 45 किलो वजन से ज़्यादा हो और हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से ज़्यादा हो वह हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। स्मार्ट सिटी में शामिल फरीदाबाद में गंदगी और समस्याओं का अंबार लगा है। लोग पीने के पानी सीवर जाम साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं। ऐसे ही कुछ हालात NIT फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3 और 4 के हैं जहां पर पार्षद जयवीर खटाना ने सारे लोगों के साथ समस्या के निदान करने के लिए चाय पर चर्चा की जहां लोगों ने अपनी समस्याएं तो रखी ही साथ ही उन्हें जयवीर खटाना को सुझाव भी दिए। ये तस्वीरें NIT फरीदाबाद के वार्ड नंबर 3 की हैं जहां पर स्थानीय पार्षद जयवीर खटाना ने देर शाम अपने वार्ड में लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए चाय पर चर्चा की। बता दें जयवीर खटाना वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं तो उनकी पत्नी शीतल खटाना वार्ड नंबर 4 से पार्षद हैं। जयवीर खटाना ने इस मौके पर बताया कि उनके इलाके में एक बड़ी सीवर लाइन निकालकर प्रतापगढ़ इलाके में जाती है जिसकी साफ सफाई का काम पिछले 3 महीने से चल रहा है जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इलाके में पीने के पानी साफ सफाई गंदगी जैसी सुविधाओं का अभाव है जिसके चलते आज इलाके के लोगों को एकत्रित कर
चाय पर चर्चा रखी गई है और उनसे समस्या सुनी है तो उन्हें समस्याओं का निदान भी बताया गया। जयवीर खटाना ने कहा कि उनके इलाके में सबसे बड़ी समस्या गंदगी, सीवर जाम और पीने के पानी की है, जिस पर उनका काम चल रहा है। जल्द ही लोगों को पीने के पानी की समस्या से निजात मिलेगी। आइए सुनते हैं क्या कहना है वार्ड नंबर 3 के पार्षद जयवीर खटाना का। नमस्कार, मैं पार्षद वार्ड नंबर 3 से जयवीर खटाना और वार्ड नंबर 4 से मेरी धर्मपत्नी है श्रीमती शीतल खटाना। सर, लोगों को इकट्ठा क्या हुआ है, क्या था पूरा मामला? देखिए, शहर की सबसे बड़ी सीवरेज लाइन जो है वो मेरे वार्ड नंबर 3 और 4 में से जा रही है प्रतापगढ़, जिसको करीब 3 महीने पहले सफाई का कार्य शुरू हुआ है और जिसके कारण जो भी शिकायतें आ रही थी, तो आज हमने सोचा कि भाई इस पे लोगों को बुलाकर, वार्ड नंबर 3 और 4 के लोगों को बुलाकर जो मुख्य जो कंप्लेंटें थी तो उनके साथ चाय पर चर्चा करके और उनके साथ जो कंप्लेंट है उनको सुनने का ये थकरवेंस कि आज उनकी कंप्लेंट सुनी जाए और उस पर फिर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके उन कंप्लेंटों को दूर किया जाए। कितनी समस्या थी जो सामने आई है लोगों के माध्यम से? लगभग मुझे 18 कंप्लेंटें मिली है, जिनमें पानी की कंप्लेंटें भी है, मेन हॉल की भी कंप्लेंटें हैं, सीवरेज की कंप्लेंटें भी है। तो इनको कोशिश है कि जो जो ज़रूरी है, जैसे सीवरेज की कंप्लेंटें हैं तो इनको हफ्ते के अंदर दूर कर लिया जाए और जहाँ जहाँ पानी की समस्याएँ हैं वहाँ वहाँ हमारा ट्यूबवेल के प्रोजेक्ट है तो वहाँ ट्यूबवेल लगाकर उनका भी समाधान करेंगे परमानेंट। कितनी समस्या है जो निदान हुआ है या जिन पर काम चल? वैसे तो मैंने फेसबुक पे पेज बना रखा है आपका जयवीर के नाम से और उस पर हम कमेंट के माध्यम से लोग उसमें कंप्लेंट करते हैं तो उसमें हम 2 घंटे की जो भी कंप्लेंट है फ़ोन के माध्यम से उसमें जो नंबर डालते हैं लोग तो उसमें हम फ़ोन करके 2 घंटे उसमें मैं टाइम देता हूँ और 2 घंटे सभी कंप्लेंटों पर फ़ोन करके पर्सनली लोगों से बातचीत करके और उनकी कंप्लेंटें भी सुनता हूँ और उनका प्रयास भी अपना जल्दी जल्दी यही है कि उन कंप्लेंटों को दूर किया जा सके। क्या दोनों वार्डों के लोगों को बुलाया है? दोनों वार्डों के जो मेरे सभी लोग हैं, सभी साथी हैं, तो सभी आज परिवार के सदस्य आकर और बैठकर साथ में और एक चाय पर चर्चा का एक प्रोग्राम करके छोटा सा हमने, तो एक साथ में मिल भी लिया जाए, लोगों की जो शिकायतें हैं उसके बारे में भी सुन लिया जाए, तो वो आज प्रोग्राम कार्यक्रम किया था। वहीं चाय पर चर्चा करने पहुंचे वार्ड नंबर 3-4 के लोगों ने जहां अपनी समस्याएं जयवीर खटाना को बताई। जयवीर खटाना ने उन्हें जल्द ही समस्याओं का निदान करने का आश्वासन दिया, जिसके चलते उन्हें काफ़ी खुशी हुई। जयवीर खटाना ने इलाके के लोगों के साथ चाय पर चर्चा की और उनसे उनकी समस्याएं भी जानी। लक्की सिंह नाम है मेरा। लक्की सिंह जी, कहां से आए हो? मैं ईस्ट इंडिया कॉलोनी, वार्ड नंबर 4 है मेरा। मैं पिछले 40 साल से ईस्ट इंडिया कॉलोनी में रह रहा हूँ और मेरे यहाँ कुछ छोटी सी समस्या यह है कि 20 साल पहले ना मीठा पानी आता था। तो क्या मुद्दा है जो आज लोगों को इकट्ठा करके उनसे उनकी समस्या सुनी जा रही है? क्या आज जयवीर भाई ने हमें फ़ोन करके बुलाया और सबको चाय पे बुलाया इन्होंने। चाय पे बुलाने के बाद इन्होंने सबकी समस्या सुनी और कईयों को आश्वासन दिया इन्होंने कि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो हमने भी अपनी समस्या रखी, औरों ने भी समस्या रखी, इनकी बातों से हमें काफ़ी संतुष्टि मिली है और ये भी मिला है कि इन्होंने कहा कि हफ्ते 4-5 दिन में, 10 दिन में तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कितनी समस्या का निदान हो पाया है अब तक, अगर बात की जाए? मेरी समस्या का निदान तो इन्होंने कहा है कि तो हफ्ते भर के अंदर तुम्हारे मीठे पानी का कनेक्शन करवा दूँगा और औरों का भी जो भी है, किसी के लिए मंडे को कह रहे हैं, किसी का ट्यूजडे को कह रहे हैं, तो मतलब कंटिन्यू किसी ना किसी डेट पे इनका सबका समाधान कर हो जाएगा। तो जितने लोग इकट्ठे हुए हैं सब वही हैं जो जिनकी समस्या है? हाँ, यहाँ जिन मैक्सिमम लोग वही है जिनको छोटी छोटी समस्या है, जैसे सीवर की समस्या और पानी की समस्या है। तो उनका निदान करने के लिए आज लोगों को चाय? हाँ जी, उनकी समस्या का समाधान के लिए इन्होंने हमें बुलाया है। वैसे तो हमारे विकास पुरुष कराते हैं। दुर्गेश तिवारी। दुर्गेश जी, क्या समस्या थी आज, किस चीज़ की मीटिंग थी, इकट्ठे हुए हैं स्थानीय लोग? ये एक जयवीर भाई ने आज शाम को 7:30 बजे एक मीटिंग रखी थी चाय पे चर्चा जी, नाम रखा गया था चाय पे चर्चा, लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछने के लिए जी, कि कॉलोनी में क्या समस्याएं चल रही हैं। और हर गली से, हर अपने वार्ड 3 से वार्ड 4 के लोगों को बुलाया गया कि उनकी गली में जो समस्याएं थी, जिनको उन्होंने समस्याओं को जो बताई थी, उनका समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। इस पर काफ़ी लोगों के सुझाव आए हैं कि मेरा भी सुझाव है कि अपना जो गली नंबर 308 है हमारी कॉलोनी में, जो अग्रवाल बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के सामने है, संजय कॉलोनी, संजय कॉलोनी वार्ड नंबर 3 लगता है। कौन से पार्षद हैं अपने? हमारे पार्षद जयवीर खटाना जी हैं जी। इनको गली नंबर 308
316 और 317 की सीवर लाइन के, जो कि हमेशा ही समस्या ही बनी हुई है शुरू से, जो कि एक कहते हैं ना कि एक वार्ड में दाग है, दाग का काम कर रहा है, उसकी उसी समस्या से मैंने भाई को अवगत कराया कि इस गली में 308 में, 316 में, 317 में सीवर लाइन डलवाना ही इसका समाधान है। तो भाई ने मुझे आश्वासन मिला है, आश्वासन मिला है कि दिवाली से का बाद ये काम टेंडर दे दिया जा चुका है ठेकेदार को। पाइपलाइन सेक्टर 52 में आके गिर चुकी हैं, दिवाली के बाद इस कार्य को चालू करा दिया जाएगा। कितनी समस्या जो स्थानीय पार्षद सुनेंगे आज लोग? लगभग मेरे को लगता है कि आप देख सकते हैं कि कितने आदमी यहाँ हैं, सबकी समस्याओं को भाई एक एक करके सुन रहे हैं। लगभग 30-35 आदमी हैं यहाँ पे और हर गली से बुलाए गए हैं।